नमस्कार, मैं उत्तम मल्लिक आर्टिस्ट फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड से। मैं कुछ आज अपना शेयर करना चाहता हूँ। एक मूर्तिकार फैमिली से हूँ। मेरे फैमिली में सब कोई मूर्ति का काम करता था और उसमें मेरे पापा लोग, चाचा लोग सब मिल के पूरा हर पूजा फेस्टिवल का मूर्ति बनाता था और मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट से देखता था। मैं उसी परिवार से हूँ। मैं देखते देखते मुझे करने का भी इच्छा लगता था कुछ करें, तो मैं उसने बहुत छोड़ा था, तो मुझे डांट भी मिलता था कि अभी तुम मत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम इसमें ध्यान मत दो। तो मैं चुप चुप के कुछ ना कुछ करना करता रहता था। मिट्टी लेके छोटा छोटा मूर्ति बनाता था, कुछ भी ऐसे खिलौना टाइप का, या जो मेरे पापा लोग चाचा लोग मूर्ति बनाता था उसी को देख के मैंने भी कोशिश करता छोटा में मूर्ति बनाने का। तो इस तरह से मेरा एक एक्सपीरियंस था और मैं ड्राइंग भी करता था। अपने से कोई स्कूल में ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम। मुझे घर से बोला गया कि तुम्हारा ड्राइंग तो बहुत अच्छा हो रहा, हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, जब तुम्हारा इसमें इंटरेस्टेड है तो तुम जाके स्कूल में एडमिशन हो जाओ। तो मुझे जाके एडमिशन कर दिया था। उस एडमिशन करने के बाद मैंने क्लासेस शुरू किया, क्लास किया कुछ दिन किया, फिर बीच में छोड़ दिया। लेकिन मेरा ध्यान मेरा अपना घर तरफ ही रहता, जहाँ पर मूर्ति मेरा बनता था और मैं भी कुछ करने का इच्छा रहता था। तो मैं अपना जो पेंटिंग ड्राइंग सब भी कुछ कुछ करते रहते थे। मेरे बहुत इच्छा था कि मैं कुछ करूं और मेरे कोई, मैं आर्ट कॉलेज से पास नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स किया हूँ। मेरा बहुत इच्छा था कि मैं आर्ट कॉलेज से पास करूँ, लेकिन मैं जब आर्ट कॉलेज में मैं एडमिशन लेने गया था, एक बार कोशिश किया हम जाके एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में मेरे उसमें पहले तो फर्स्ट हम लोग थ्री फ्रेंड्स हम लोग जाके इसमें चांस के लिए हम अप्लाई किया था आर्ट के, और मेरा एंट्रेंस हुआ। एंट्रेंस में हम लोग तीनों में से बोला गया कि तुम लोगों को तीनों को तो नहीं लिया जाएगा, उसमें से किसी एक को हम लोग देंगे और बाकी अगर तुम लोग चाहे तो यहाँ पर कैजुअल क्लास कर सकते हैं। फिर हमारा जब आर्ट कॉलेज में नहीं हुआ तब हम लोग तो वहाँ से तो चले आए, फिर आके यहाँ पर हमारा स्कूल में आर्ट स्कूल में और हमारे घर में भी आके हम बोले कि पहले तो मेरा आँख से आंसू आ गया कि मैं कैसे बोलूँ कि मेरा आर्ट कॉलेज मेरा हुआ नहीं। तो पूछा कि क्या हुआ, तो हम बोल दिए तो बोले क्यों अरोरा, तो बोल रहे हुआ नहीं मेरा। और हम लोगों को बोला गया कि अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम लोग एक काम करो, यहाँ पर कैजुअल क्लास करो और एक साल तक तुम लोग को यहाँ रुकना होगा। तो फिर हम सोचा कि ठीक है देखते हैं। तो मैं सोचा कि अगर एक साल के रुक जाते हैं वहाँ पर कैजुअल क्लास करते हैं तो उसका बाद तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। तो ऐसे ही जो भी हो, तो आर्ट स्कूल में भी वही सेम चीज बोला हूँ। तो आर्ट स्कूल में बोला तुम अभी एक काम करो, यहाँ काम करो उसके बाद, तो फिर जाके वहाँ पर अपना क्लासेस करो, कैजुअल क्लास करो एक साल। तो हम भी सोचा कि ठीक है चलते हैं। तो फिर वहाँ से कुछ उन लोगों का कुछ फीस वीस होता है जो फीस हम लोग को देने के लिए बोल देने पड़ेगा। तो मैं भी सोचा कि मेरा इतना बहुत ज़्यादा पैसा है तो मेरे पास अभी फिलहाल उस टाइम तो था नहीं, मैं पापा को कैसे बोलूँ कि मैं जाके यहाँ पर एक साल कैजुअल क्लास करूँगा, उसका फीस जो भी होगा जमा करने पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा से ये लगा कि मैं कहाँ से लाऊँ पैसा, इतना पैसा तो जमा करके हम अगर एक साल वहाँ क्लासेस करें और उसके बाद एडमिशन हो जाएगा कि हम नहीं जाके यहीं पर जमशेदपुर में ही अपना आर्ट स्कूल में ही क्लासेस करें। तो फिर मैं और वहाँ नहीं गया, मुझे लगा कि हम नहीं जाएंगे तो यहीं क्लासेस करते हैं।
फिर खराब लगने लगा। कुछ दिन में फिर हम फिर चले गया जाके भी वहाँ पर, हम मेरा दोस्त लोग तीनों मिलके, मेरे दोस्त का तो हो गया था, वो तो वहाँ पर एडमिशन के करने के लिए जाना था उसको, बोले चलो हम जाएंगे, हमारा एडमिशन करवाना है, चलो अगर बार तुम मेरा साथ हम लोग के साथ जाएंगे, ओके हमने ठीक है चलो। फिर वहाँ जब गया फिर दोस्त लोग से मेरा वहाँ पर मिला, तो वो लोग भी बोला कि बहुत अच्छा किया आ गया है, चलो तुम लोग यहीं पर रहना, हम लोग के साथ ही रहना, तुम लोग कहीं दूसरे जगह लेने की जरूरत नहीं है, और तुम लोग मैं एक साथ हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग ठीक है। तो अंदर से तो मेरा बहुत दुख है कि मेरा कैजुअल क्लास करेंगे, एडमिशन नहीं हो रहा, और हम क्या मालूम कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, फाइनेंस प्रॉब्लम था, जिसके चलते हम अंदर से अंदर मेरा बहुत दुख लगा था, दुख था अंदर। तो मैंने उससे मेरा दोस्त बोला कि उत्तम तो एक काम करो, हम लोग यहाँ पर दो चार दिन रह जाते हैं, दो चार दिन रहते हैं, और तुम अपना यहाँ पर कुछ काम वाम करो तब तक। तो हमको सर भी वहाँ का जो सर था, स्कल्पचर सर था, और प्रिंसिपल भी जो था, हमें बोला ये तो तुम यहाँ काम करो, तो हाँ बोल दिया हम करेंगे। एक दिन काम किए तो हमको एक सर जो था वहाँ का स्कल्पचर, क्या नाम उनका था, दीना दामोदर बेरा सर, जो बहुत अच्छा स्टोन कार्विंग स्कल्पचर सर था, तो उन्होंने हमको दे बोला ये तुम करोगे क्या, हमारा सर कोशिश करेंगे, हाँ तो बोला ठीक है तुम एक काम करो इसको तुम कंप्लीट करो। तो हम बोला सर अब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा है, अब कितना दिन हम रहेंगे तो नहीं मालूम, तो क्यों तुम तो यहाँ क्लास कैजुअल करेगा ना, हम सोच रहे थे करेंगे, अच्छा ठीक है तो स्टार्ट करो बोल रहा। तो फिर हम थोड़ा से उनका स्कल्पचर को हम अपना बहुत अच्छा लगा शुरू किया, तो हाथ तो दर्द देने लग जाता था उस टाइम, जब पहला बार कर रहे स्टोन कर भी, हाँ तो करते करते तो सर भी देखा, खड़ा होकर देख रहा था, तो बोल रहा नहीं अच्छा हो रहा इसको तुम कंप्लीट कर रही हो, तो ठीक सर करते। तो वो इतना बड़ा स्कल्पचर तो एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो होगा भी नहीं, उसका लिए बहुत टाइम चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करता हूँ, देखते हैं कितना दिन अभी यहाँ पर हम रहेंगे उस हिसाब से हम करेंगे। तो एक दिन या दो दिन हम वहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम किया, उसके बाद बाकी हम लोग को थोड़ा थोड़ा बाहर आउटसीन भी घुमाया, वहाँ का जो कॉलेज फ्रेंड्स सब मेरा वो उस टाइम नया नया फ्रेंड्स बना था कॉलेज का, वो लोग हमको बहुत मैंने मानता था, बहुत अच्छा प्यार करते थे वो लोग कि अरे उत्तम तुम्हारा तो काम अच्छा है, तुम ये करो करो ये सब, अरे कॉलेज में तो ऐसा काम तुम लोग नहीं होता, तुम जैसे स्टूडेंट अपना स्कूल लाइफ में इतना ड्राइंग अच्छा किया तो तुम कर सकते हो, तुम करो ठीक है करेंगे बोल के सब कोशिश करे जाएंगे। तो फिर हम लोग वैसे करते वहाँ पर रहते रहते, तो अचानक मेरे दोस्त लोग चलो हम लोग आज प्रोग्राम करते हैं थोड़ा घूम आएंगे, तो सही हम लोग कॉलेज से निकल गया था, हम लोग घूमने में घूम घूम के घूम थोड़ा वहाँ का आउटसीन घूमे, और बहुत अच्छा लगा, वो लोग भी अपना अपना कुछ कुछ आउटडोर कर रहा था, हमको भी अच्छा लग रहा था, तो आउटडोर करने के लिए हम भी सोच रहे थे करेंगे, तो मेरे पास तो उससे कुछ लेके नहीं गया था, तो वो लोग का ही पेपर लेके थोड़ा सा काम किया वहाँ पर, तो वो लोग भी देखा बहुत अच्छा लगा। जो भी हो उसके बाद एक दिन दो दिन हो गया, तीसरा दिन हम लोग क्या प्लानिंग किया कि चलो अभी जो मेरा दोस्त था उसको तो एडमिशन हो गया था, और वो तो वहाँ रहने वाला है, अभी हमको रिटर्न आ जाना है, हम सोचा कि नहीं हमको जाना होगा, हाँ फिर हम फिर सोचेंगे, फिर हम सोच के फिर आएंगे। तो फिर हम अभी जाएंगे सर से पूछ लेते हैं सर क्या बोल रहा है, सर से पूछे तो बोल रहा है देखो तुम्हारा इच्छा है, तुम अगर करे हो तो कंटिन्यू कर सकता है बोला तुमको, नहीं तो तुम अपना सोचो क्या करना है। तो बोला सर हम थोड़ा जाएंगे फिर हम आएंगे सोच के आएंगे। तो वहाँ का भी सुनता था कि यहाँ पर हॉस्टल का कॉस्ट इतना है, वहाँ पर रहने के लिए खाने के लिए जो भी चार्ज लगता है, और कॉलेज फीस भी देना है, मतलब हम लोग को तो एडमिशन नहीं होगा हुआ था कि हमें कैजुअल क्लास करना था, इसलिए जो भी उनका फीस था वो देना था, वो भी देने के लिए हमको बहुत मैंने सोचने पड़ रहा था कि जब भी मतलब कुछ पैसा का बात आ जाता था तो मेरा हम थोड़ा पीछे हट जाता था, काम करने तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत इच्छा था, बहुत कुछ करना मुझे मन में आ रहा था, हाँ कि ये लोगों के साथ रह जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत कुछ मैं एक आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट्स होकर रहूँगा करेंगे। तो फिर मैं तो वहाँ से मेरे दोस्त दोनों हम लोग एक दिन तो रह गए वहाँ पर, और हम लोग दोनों रिटर्न आ गया जमशेदपुर आ गया, जमशेदपुर में फिर अपना जो आर्ट स्कूल जहाँ पर हमें आर्ट सीखने जाता था
उस स्कूल में मैं अपना फिर ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ क्लासेस करता था, वैसे बोलता था क्या हो तुम चले आया, बोला सर वैसे से बात है, अभी हम सोचेंगे पहले उसके बाद फिर जाएंगे। तो फिर हम ऐसा करते करते एक दो महीने पारे हो गया और कुछ माइंड में आया ही नहीं। तो देख रहा यही हमको सब कुछ मिल रहा, सर लोगों को प्यार कर रहा, पेंटिंग कर रहा, काम कर रहा, सबको बोला कि नहीं तुम काम करो ना, तुम काम करो, तुम्हारा काम अच्छा है, अगर तुम्हारा ऐसे प्रॉब्लम है तुम अगर अच्छा काम कर सकते हो तो तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सोचा क्या यहाँ पर हम अगर इस तरह से सब हमको सर बता रहा तो देखते हैं यही कर लेते हैं। फिर हम अपना काम शुरू किया। तो फिर हमको आर्ट स्कूल में मैं जाया पाता, वहाँ पर हमको जूनियर क्लासेस देखने के लिए दे दिया कि पर तुम्हें जूनियर क्लासेस को थोड़ा गाइड करना, हम भी स्टूडेंट भी है प्लस हम वहाँ पर एक टीचर भी बना दिया हमको। ये कुछ दिन के हम वहाँ पर वहाँ पर टीचर का थोड़ा करने लगा, बच्चे लोगों को छोटे छोटे बच्चे लोगों को कुछ काम दिखा देने लगा। तो फिर हमको जूनियर क्लास से थोड़ा थोड़ा उससे थोड़ा सीनियर जो होता है वो लोगों को भी ऊपर दे दिया और उसका साथ साथ हम अपना भी काम करता था, ऐसे चलता रहा। तो उसके बाद कुछ कुछ अच्छा अच्छा मतलब कहीं कहीं एग्जीबिशन भी, उस टाइम बहुत कम एग्जीबिशन होता था, हाँ बहुत मतलब हम लोग सुनने नहीं मिलता उतना एग्जीबिशन होता, बल्कि एक हमारा यहाँ पर टाटा स्टील में कभी कभार एक कैंप होने वाला होता था, बहुत अच्छा अच्छा मतलब आर्ट इंडस्ट्री बोल के है जिसमें अच्छा अच्छा कलाकार लोग आता था, वहाँ जाते थे बैठते थे देखते थे सब आर्टिस्ट का काम, अच्छा अच्छा कलाकार जो भी हम तो मेरे आँख से मैं उनके साथ देखा, एम एफ हुसैन हुआ उनको भी हम देखे हुए हैं काम करते हुए आँख दमाग से, अपना विकास भट्टाचार्य, धर्मनारायण दास गुप्ता, उसके बाद अपना जतिन दास तो ऑलमोस्ट करते आते थे उनके बाद, इस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट हो जो साथ हम नाम अभी नहीं बोल पा रहे काम करते था और हम देखते थे वहाँ पर दिन भर बैठते रहते थे, अच्छा लगता था। फिर वहाँ से हमारा आर्ट स्कूल, हमारा आर्ट स्कूल को जो उसको मतलब दिया गया था कि तुम लोग जाके वहाँ पर आर्टिस्ट लोग के साथ अपना पेंटिंग दिखाओ, एक काम करो, सब हम दिखाते थे, अच्छा लगता था। और वहाँ पर हम लोग को एक जॉब दिया था कि तुम लोग जाके आर्टिस्ट लोग का कोई प्रॉब्लम हो रहा, कहीं पर कलर है खत्म हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो सबको लिए आपको हम लोग को बोला गया था कि तुम लोग उन लोगों को सप्लाई करना, कलर वलर ला के दे देना, पानी मांगे पानी दे देना, ऐसा हम करते थे, बहुत अच्छा लगता था। घर जाने दिन नहीं करते थे, वहीं पर सुबह से लेकर शाम 5-6-7 बजे तक वहीं पर रह जाते थे। फिर वैसे करते करते फिर अपना जो आर्ट स्कूल में अपना जो घर का काम, दुर्गा पूजा उस टाइम, काली पूजा, गणेश पूजा, ये सब मूर्ति का काम करते थे, थोड़ा हेल्प करते थे चाचा लोगों के साथ, थोड़ा मैं उस टाइम थोड़ा सा जस्ट क्या बोलेंगे कलर वाला देने में हमको सीख गया था, तो मुझे चाचा लोग भी देते थे, बोलते चलो आज तुम अभी ये सब थोड़ा करो करो करते थे, और पापा भी करते थे। पापा तो मेरा उस टाइम शायद हमको उस टाइम पापा छोड़ दिया था मूर्ति का काम, चाचा लोग करते थे, पापा अलग मूर्ति का काम छोड़ के अपना टेलरिंग का जॉब जो था उसमें कंटिन्यू करने लग गया। पापा भी हमको बोलता था कि तुम एक काम करो, पूजा का टाइम में बहुत काम आता था मेरा टेलर का दुकान में, तो तुम थोड़ा आके हमको हेल्प करो। तो हम बोला ठीक है, हम जाके वहाँ पर अपना पापा के साथ थोड़ा जैसे शर्ट उट में बटन लगाना, काजा बनाना, आयरन करना, ये सब काम हमको मेरा पापा देता था, हम करता था और मुझे भी मेरा अपना जो मन है एनी टाइम क्या बोले घर की तरफ रहता था, क्योंकि घर में मेरा जो काम होता था मूर्ति का काम होता था वो देखने का, बट मेरे को टेलरिंग में इतना इंटरेस्ट है, पापा बोलता था तो हम चले जाते थे। हाँ, और वहाँ से फिर कभी कभी ये सभी भाग जाते थे दुकान से कि मैं पापा मैं चलो घर जा रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो पापा बोलता ठीक है तुम जाओ घर जाओ, तो घर में जाके हम कुछ नहीं जाके उधर बैठ जाता था मूर्ति के काम में सॉरी। फिर पापा आके कभी कभी देख लेता था उनको काम करते हुए, तो पापा गुस्सा हो जाता था, तुमको मना किया ना तुम दुकान से आ गया, अरे यहाँ पर ऐसा काम वो कर रहा, पापा जो भी बोलता था कि मेरा कि तुम वहाँ छोड़ के मेरा हेल्प नहीं करती था, मैं आके हेल्प करना शुरू करती अच्छा चलो कसा, तो जो भी वो फैमिली मैटर है वो सब छोड़िए। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर आके मेरा अपना काम इसको तो कंटिन्यू करते स्टार्टिंग से ही करते रहा, और मैं आर्ट स्कूल की तरफ से कोई भी अगर एग्जीबिशन होने वाला चाहता था उसमें से एक ग्रुप बनाया था स्कूल में आर्ट स्कूल में, तो दो तीन हम लोग का सर लोग था और वहाँ सीनियर स्टूडेंट हम लोग दो तीन मिल के कहीं कहीं एग्जीबिशन होता था उसमें पार्टिसिपेट करता था, और मुझे उसमें कहीं कहीं अवार्ड भी मिल गया मिला है
स्टेट लेवल में। उसके बाद ऐसे ही करते करते मुझे एक साल अचानक आर्ट इंडस्ट्री से मेरे को चांस मिल गया टाटा स्टील का। तो शायद 94 96 97 ऐसे ही कुछ हुआ, वो फर्स्ट टाइम जो हुआ था, फर्स्ट सेकंड सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, तो उसमें हमको चांस मिला था। तो मैं उस टाइम बहुत खुश था कि मुझे आर्ट इंडस्ट्री में चांस मिला। नहीं, उसका पहले मुझे रांची में भी मिला था, रांची का आर्ट कैंप में भी हम गए हैं 2-3 बार। हाँ, ऐसे छोटा छोटा आर्ट कैंप ऐसे एग्जीबिशन हम करते थे, लेकिन जब से मेरे लिए सबसे बड़ा जो है वो टाटा स्टील का जो आर्ट इंडस्ट्री में आर्ट कैंप में हमको चांस मिला था, जिसमें हम फर्स्ट टाइम कैंप में बैठे हैं बहुत इतना बड़ा बड़ा आर्टिस्ट लोग। हमको तो लगता था उस टाइम कि यहाँ पर उस टाइम विकास भरचार्ज, हमारा जतिन दास, और सैम शर्मा, इस तरह से बहुत काफी फेमस आर्टिस्ट लोगों बैठा हुआ था, जिसके साथ बैठ के हम भी काम कर रहे थे। फर्स्ट टाइम मेरा कैम, मुझे समझ में क्या करे नहीं करे, बड़ा सा कैनवास। हाँ, तो हम अपना काम उस टाइम हम शायद कुछ हम एक सुनामी के ऊपर में कुछ एक फर्स्ट मेरा शायद सुनामी के ऊपर में शायद हम था, इसलिए एक पेंटिंग हम बनाए थे, उसमें बहुत पसंद आया था सबको। और वो पेंटिंग सबको, हमको जो आर्टिस्ट लोग आके बोलो बहुत अच्छा काम हो रहा हो, तुम काम करो इस तरह से, काम करते रहो, किसी से कुछ देखने का जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, अपने काम करते रहो, तुमको जो अच्छा लग रहा है, तुम मन में जो अच्छा आ रहा है उसी को करो। तो इसी को हम कंटिन्यू करते रहिए काम, इस तरह से करते 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 वो आर्ट इंडस्ट्री कैंप का बाद ऐसा और कुछ कैंप में भी हमको चांस मिल गया, चांस मिला एग्जीबिशन में भी हम चांस मिला, और पार्टिसिपेट किए कुछ कुछ कंपटीशन में। हम लोग ग्रुप मिला के एक ऑर्गेनाइज अपना ग्रुप बनाया, जिसमें हम लोग कलकत्ता एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, उसके बाद उड़ीसा में को, और इस तरह से कहीं कहीं अपना एग्जीबिशन का शुरुआती में करना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे आज एक बहुत खुशी के बात मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे एक बांग्लादेश में भी, मैं फिलहाल आज 2-3 साल पहले मैं एक अवार्ड भी मिला हमको, जिसमें हम इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल था फोकस बांग्लादेश, जिसमें हमको एक अवार्ड मिला, उसमें भी मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद हमको जमशेदपुर में भी एक गुरु सम्मान अवार्ड मिला। हाँ, इस तरह से कुछ ना कुछ छोटा छोटा मोटा मिलते रहता है। मैं इसमें आप ज्यादा क्या बोलो, मैं अपना जर्नी के बारे में, जर्नी तो मेरा बहुत लंबा है, उसको हम अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलो नहीं बोलो, जितना थोड़ा से भी बोले हम, मैं सबको ही, जो भी हमारा अभी जो जूनियर कलाकार, जो आर्टिस्ट जो मैंने ड्राइंग सीख रहा, हाँ, और जो भी हमको फॉलो करता है देखता है, कुछ नहीं है, काम करते जाओ, अपना काम करो, जो भी काम तुमको अच्छा लग रहा वो करो, और किसी सीनियर्स से दिखाओ, उसका कुछ उसका पेंटिंग दिखाने के बाद तुमको पता चलेगा तुम्हारा में क्या कमी है नहीं कमी है। देखो पेंटिंग में किसी का क्या कमी है नहीं कमी तो हम नहीं बोलेंगे, बट और कुछ आइडिया मिलेगा तुमको काम करने के लिए सबको। तो मैं भी इस तरह से दिखाता था, हमको मन में लगता है हम कोई भी पेंटिंग बनाए किसी को भी, मेरा सीनियर लोगों को दिखाते थे, दिखाने के बाद हम उससे पूछते भाई सर दादा देखिए ना मेरा पेंटिंग कैसा हुआ, अच्छा लग रहा कि नहीं, नहीं वो एक ही बात खाली बोलता था कि नहीं नहीं ठीक अच्छा काम हो रहा तुम काम करते रहो। एक चीज ध्यान रखना कि तुम एक किसी का कोई काम लेके उस काम को अपने काम उस काम को तुम अपना कैनवास में मत, उसको देख के उसी का सोच को अपने उसमें उसको भूल जाओ, देखने के बाद उसको भूल जाना है और तुम अपना काम करो, देखना है ठीक है, उसके बाद उसको अपना वहीं तक जहां तक हम देखें वहां तक देखने के बाद उसको भूल जाना है, और अपना जब काम करने बैठेंगे उस टाइम हमको सिर्फ अपना जो मेरा मन में लग रहा जो फील हो रहा हम उसमें काम करते रहेंगे। इस तरह काम करते 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 रहेंगे, काम कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बहुत कुछ कर लिए हैं। मेरे एक और एक चीज मैं इसमें बताने भूल गया, मैं इसमें भी इसको भी थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। आज मैं जहाँ जिस जगह में जैसे काम कर रहा हूँ उसमें उसके लिए भी मेरा उसमें मेरे बहुत ही बड़ा योगदान है। जो मैं उस टाइम आर्ट स्कूल में करते करते मुझे एक ऑफर आया था, वो मेरे एक फ्रेंड्स लाया था, जिसमें हमको बोला गया था कि तुमको तू मेरा एक मेरा स्कूल में जाएगा, वहाँ पर एक वर्कशॉप है,
उसमें तुमको 3 दिन के लिए इस वर्कशॉप में बच्चों को दिखाना है, काम दिखाना है। तो फिर हम सोचे कि जहाँ मेरा अपना सर जो था उनसे पूछे कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमको वहाँ पर बुलाया है 3 दिन के लिए, और मैं वहाँ पर एक बच्चे लोगों का एक डेमो देने के लिए वाटर कलर स्कल्पचर ये सब के दिखाना है, वो सुपू वर्कशॉप बोलते हैं उसको, उसमें उसमें हमको बुलाया था। तो उसमें इसमें गया था, उसमें मेरे चांस उसमें दिए, बच्चे लोगों को जाके काम वाम दिखाया, बहुत पसंद आया बच्चे लोगों को भी, वहाँ का टीचर्स लोगों को, प्रिंसिपल मैडम जो भी हो, और वहाँ का जो चेयरमैन सर था, सर ने भी हमको बहुत पसंद किया तो काम मेरा। और मुझे एक बार उन्हें ऑफर दिया कि तुम स्कूल में जॉब करोगे, तो फिर मैं सोचा कि कैसे हम यहाँ इतना बड़ा स्कूल, वो भी केरला समझा मॉडल स्कूल जो है, जब से बहुत ही नामी स्कूल है, तो उसमें हमको हम इतना बड़ा स्कूल में हम कैसे जॉब करेंगे, और हम तो जहाँ एक जगह में अपना आर्ट स्कूल में चला करते ही हैं, उतना उसमें माइंड में मेरा दिमाग ये नहीं था कि हम चलो एक मुझे नौकरी मिल रहा है, ये नहीं माइंड में कि नौकरी मिल रहा बोल के। तो फिर हम बोलो ठीक है सर हम आपको सोच के बताएंगे। तो बोलो हम वहाँ पर हम पहला दिन सेकंड दिन पहला दिन तो ऐसे ही पार हो गया, सेकंड दिन हम आए तो सर हमको बोला था कि तुम हमसे मिल लेना एक बार। फिर हम सेकंड दिन में जाके सर से बात, सर ठीक है सर हम करेंगे क्लास तो, लेकिन हम पार्ट टाइम करेंगे। तो नहीं बोला पार्ट टाइम नहीं करने से फुल टाइम। फिर हम बोला सर हमको तो फिर बोला थोड़ा सोचने के साथ टाइम दीजिए। बोला नहीं सोचने का नहीं, कल से तुम आके हमको कल आके बता दो करेगा या नहीं करेगा। तो फिर हम ने था लास्ट थर्ड डे में जाके यहाँ आके हम पहले तो हमें आके यहाँ डिस्कस किया मेरा अपना सर लोग से कि ऐसे बात है हमको बोल रहा। तो बोला नहीं नहीं अगर होगा तो तुम पार्ट टाइम करो, फुल टाइम मत करो, फिर तुम्हारा काम में भी डिस्टर्ब होगा और आर्ट स्कूल भी तो करते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हम सोचा कि ऐसे से बोल रहा क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो मेरा और एक सर था जो हमको बोला एक काम करो तुम उसमें एक काम करो, वो हमको बहुत अच्छा मानता था सर। उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो तुम अच्छा नौकरी मिल रहा है तुम उसमें हाँ बोल दो ज्वाइन कर दो, क्योंकि झुट मुट कर उसमें तुम यहाँ आर्ट स्कूल करेगा तो है ही है तुम्हारा अपना, बट तुम उसमें अगर करेगा तो एक परमानेंट तुम्हारा जॉब हो जाएगा। तो लेकिन तुम कोशिश करो बोलने के, लेकिन अगर तुमको पार्ट टाइम दे देता तो अच्छा रहेगा। ठीक है तो फिर नेक्स्ट डे जाकर हम सर से मिल के बात किए, सर ऐसा बात है तो वो नहीं बोला कोई भी हालत से नहीं, अगर तुमको करना ही है तो फुल टाइम करो और कल से तुम ज्वाइन करो। तो फिर हम कुछ तो बोले नहीं, उससे सोचा क्या करेंगे, तो हम बोल दे ठीक है सर करेंगे बस। उसके बाद हम उस स्कूल में नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर लिया। मैं स्टार्टिंग मेरा जो वहाँ पर स्टार्टिंग जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को ड्राइंग से ऐसे भी था हम क्लास में बच्चे सीखा लगे एक क्लास में 50-50 बच्चे लोगों को ड्राइंग सिखाना, तो मतलब मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ा इसमें। आज उस स्कूल में भी मेरा ऐसे करते करते आज मेरा इस स्कूल में 25 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा।